न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग से पिता भाई ने किया दुष्कर्म, करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कल्याण पूर्व में 1 फरवरी को जलापूर्ति। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कल्याण में 16 वर्ष एक नाबालिग बच्ची के साथ कलयुगी बाप भाई द्वारा दुष्कर्म करने का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बाप बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बाप बेटे के खिलाफ कल्याण के कोसलेवाड़ी पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है और आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने पिता और भाई द्वारा बार बार शारीरिक शोषण किए जाने की बात माँ समेत पड़ोसियों को बताई थी। इसके बाद समाज सेवियों की मदद से आखिरकार घृणित और घिनौने कृत्य की घटना की पुलिस में शिकायत की गई। अगली खबर, ठाणे पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने करोड़ों की ठगी कर फरार हुए संपर्क एग्रो मल्टी स्टेट सोसाइटी के निदेशक आदित्य रेड्डी को गिरफ्तार किया है। कल्याण न्यायालय ने रेड्डी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। कुछ दिन पहले पुलिस ने इस मामले में कंपनी के चेयरमैन अरुण गांधी को गिरफ्तार किया था। ठाणे निवासी रेड्डी ने अपना निवास बदल दिया था और बदलापुर में छिपकर रहता था। पुलिस को उसके बदलापुर में होने की खबर मिली और जाल बिछाकर उसे पकड़ा गया। पुलिस की जांच में अभी तक 10,000 लोगों से 23 करोड़ की ठगी की बात सामने आई है। ठगी का शिकार हुए कुछ लोगों ने 30 नवंबर 2020 को विष्णुनगर पुलिस स्टेशन में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अगली खबर, 12वें जल शुद्धिकरण केंद्र में मरम्मत कार्य के चलते मंगलवार 1 फरवरी 2022 को कल्याण पूर्व में पानी की आपूर्ति बंद रहने वाली है और बुधवार को भी पानी कम दबाव में आने वाला है। ऐसी जानकारी महानगर पालिका जलापूर्ति विभाग के अभियंता द्वारा दी गई है और महानगर पालिका प्रशासन ने नागरिकों से महानगर पालिका प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है और कहा है कि अपनी जरूरत के अनुसार नागरिक सोमवार को ही पानी भर कर रखे, जिससे किसी तरह की पानी की किल्लत से बचा जा सके। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।